और हम एक बार फिर बात करेंगे कराची के इलाके गुलिस्ताने जौहर में खौफ की अलामत बने हुए छलावे की, जिसने अब उल्टा पुलिस को ही चैलेंज कर दिया है। पुलिस ने इस छलावे की गिरफ्तारी पर 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया था, लेकिन अब इस छलावे ने जब आखिरी हमला किया गुज़िश्ता रोज, तो उसने यह ऐलान किया कि पुलिस अगर मुझे पकड़ कर दिखाए तो मैं पुलिस को ही 10 लाख रुपए इनाम दूंगा। गुलिस्ताने जौहर में इस वक्त खौफ की फजा है, लोग घरों से बाहर निकलने में खौफ महसूस कर रहे हैं। आज न्यूज के एंकर पर्सन शहरयार आसिम इस वक्त गुलिस्ताने जौहर में मौजूद हैं, लोग उनके साथ मौजूद हैं, उनसे जरा जानते हैं कि वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। शहरी बताइएगा, लोग आपके साथ मौजूद हैं, क्या इनके मुतालबात हैं, क्या इनके ख्यालात हैं और खौफ की फजा अभी भी इनके दरमियान मौजूद है? ओवर टू यू शहरी। बिल्कुल जी, इस वक्त मैं जौहर चौरंगी पर मौजूद हूं और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से एक मसले ने कराची शहर को अपनी लपेट में लिया हुआ है, खासतौर पर गुलिस्ताने जौहर को। एक शख्स पर हेलमेट लगाकर आता है, खवातीन को जख्मी करता है और फिर फरार हो जाता है। 13 खवातीन को अब तक वो निशाना बना चुका है। पुलिस हरकत में आती है लेकिन रिजल्ट हमारे सामने नहीं आते, बल्कि दूसरे मसाइल जो हैं उन्होंने जन्म लेना शुरू कर दिया। वो शख्स कौन है, कहां से आता है, आखिर ये सब क्यों कर रहा है, ऐसे बहुत से सवाल जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। अगर हम बात करें अवाम की, तो अवाम में शदीद गम व गुस्सा है, खवातीन खौफ का शिकार हो चुकी। इसी सिलसिले में आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ ताहा मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। इसके अलावा हमारे रिपोर्टर हैं फैजान, ये लम्हा तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। यहाँ पर आवाम हमारे साथ गुलिस्ताने जौहर की मौजूद है, और जो लोग गुलिस्ताने जौहर में इस वक्त हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर वो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें कर सकते हैं। सबसे पहले हम फैजान से शुरू करेंगे। फैजान, अब तक की क्या रिपोर्ट्स आपको मौसूल हुई हैं? शहरी, अब तक के जो वाकयात बिलखसूस गुलिस्ताने जौहर में इसके अतराफ मलिका इलाकों में हुए, 13 खवातीन के जख्मी होने की जो है वो वाकयात रिपोर्ट हुए, 9 मुकदमात अब तक दर्ज करें, लेकिन पुलिस की जो कार्रवाई है, पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने में बिल्कुल उसी तरीके से नाकाम है जहां पहले खड़ी थी। दावे बिल्कुल किए जा रहे हैं। आज DIG ईस्ट ने उन्होंने जो है वो आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की, उनका ये कहना था कि चीचा वतनी में इस नौयत के वाकयात पहले रिपोर्ट हुए। चीचा वतनी में जो मुलजिम था वो जमानत पर रिहा हुआ है, और DIG ईस्ट है उनकी जानब से यह शुबा भी जाहिर किया गया है कि हो सकता है वही मुलजिम कराची में वारदातें कर रहा हो, क्योंकि नौयत वही है, तरीकेकार भी कुछ मुलजिम का वही। अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो साहिवाल में भी कुछ ऐसा था, वो कह रहे थे जी वहां से मदद लेंगे। जी बिल्कुल, साहिवाल, चीचा वतनी और इसके अलावा एक दो और इलाका जात के जो है वो नाम लिए गए हैं DIG इसकी जानिब से, लेकिन अब तक कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज भी जो है वो राबिया सिटी में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया, 20 से ज्यादा मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया, लेकिन रिजल्ट अभी तक कोई जो है वो बिल्कुल जीरो है। सादा लिबास एहलकारों में बिल्कुल मामूर किया जा रहा है, पुलिस की टीमें उसी तरीके से कार्रवाइयों में मसरूफ दिखाई दे रही है, कोई खास गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। कल 2 मुश्तबा अफराद को जरूर हिरासत में लिया जिनके कब्जे से कुछ कटर वगैरह बरामद हुए, लेकिन तफ्तीश की गई, वो भी इस वाकये से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अब पुलिस जो है वो कार्रवाई में बिल्कुल मसरूफ दिखाई दे रही है, 9 मुकदमात दर्ज कर रहे हैं, कुछ खवातीन ने मुकदमात भी जो है वो दर्ज नहीं कराए हैं, लेकिन 13 अब तक वाकया जो है वो सामने आए हैं। अच्छा, तहां मुझे ये बताएं कि ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं कि जी पुलिस भी कह रही है कि हम एक्शन ले रहे हैं, कोशिश भी कर रही होगी, लेकिन क्या देख रहे हैं आप, क्योंकि आप यहाँ पर गुलिस्ताने जौहर पर खास तौर पे आप बहुत एक्टिव हैं, खवातीन में इस वक्त कितना खौफ और हिरास है, आवाम क्या क्या रद्द अमल है? सबसे पहले तो जो कुछ अभी आपके रिपोर्टर ने बताया कि पुलिस का यह कहना है, DIG साहब ये कह रहे हैं कि चीचा वतनी में ऐसे रिपोर्ट हुए, कराची एक मेट्रोपोलिटन सिटी है, ये एक्सक्यूज कराची के लिए नहीं बनता कि चीचा वतनी में ऐसा हुआ है तो कराची में भी ऐसा हो सकता है। यहाँ ये इतने लोगों का शहर है, करोड़ों की आबादी है, लाखों की आबादी है यहाँ पर, और उसके बाद ये हालात। अच्छा, लोगों में यहाँ पे शदीद खौफ हरास है, ख़ासतौर पे औरतों में, लड़कियों के अंदर, कॉलेजेस स्कूल जाने से फैमिलीज डर रही हैं, भेज नहीं रही हैं, ये सारी सूरत हाल है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखें, ये वाक़ात जो यहाँ पर हो रहे हैं, ये इस वक्त कराची में गुलिस्ताने बिलखसूस गुलिस्ताने जौहर और गुलशन में, ये साइकोपैथ से औरतों का सिर्फ साइकोपैथ से मुकाबला नहीं है, ये मुकाबला मेरी नज़र में सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस और फिर उस साइकोपैथ से, क्योंकि ये साइकोपैथ अगर ये सब कुछ कर पा रहा है तो वो इसी वजह से कर पा रहा है क्योंकि ये दोनों नाहेल हैं। आपके सामने पहले कितनी दफ़ा हो चुका कि AD ख्वाजा के और पीपल्स यानी कि जो सिंध गवर्नमेंट है उनके दरमियान काफ़ी लंबा तनाव रहा, यहाँ पे कितने 35,000 कैमरे कराची शहर में लगने थे जो 20 मेगापिक्सल थे, जो फेस डिटेक्ट कर सकते थे, लेकिन इसी सिंध हुकूमत को पीछे से चलाने वाली जो खातून है, जो सबको पता है कौन है, और उन्होंने इसको टेंडर को अपने नाम करने के लिए, अपने किसी मनपसंद बंदे को देने के लिए वो करप्शन की नज़र कर दिया। यानी आप समझ रहे हैं कि जो एक साइकोपैथ कह लें या जो भी कह लें, वो इस वजह से शेयर हुआ है कि हमारी हुकूमत जो है वो सो रही है, ये कह रहे हैं? डेफिनेटली यही, और
इसके अलावा दूसरी कोई वजह नहीं है ना, क्योंकि अगर ये हरकत में होते और फिर रह जाए कि वो चीचा वतनी में होता है इस वजह से यहाँ भी हो गया, ये कोई ये एक बात जो उन्होंने करी, मैं भी इससे इत्तफाक करता हूँ कि शाम में मैं एक शो में था तो वहाँ पे कोई साहिवाल के DIG थे, वो उस वक्त लाइन पे थे और वो कह रहे थे कि जी मुशाबत हो रही है, कुछ ऐसा लग रहा है कि वो भी कुछ इसी तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो साहिवाल है और कराची है इसमें जमीन आसमान का फर्क है डायनमिक्स में, वहाँ पर अगर कोई बंदा इस तरह कार्रवाइयाँ करता है तो उसका पकड़े जाना आसान होगा, लेकिन कराची में जो एक बड़ा मेट्रोपोलिटन सिटी है उधर से आप ना मिलाएं ये सारी चीजें। अच्छा आप लोग क्या समझते हैं जो इस वक्त में सूरत हाल चल रही है, आप लोग नौजवान तबका है किस नज़र से देख रहे हैं? भाई इस नज़र से हम देख रहे हैं कि इतना सारा अवाम वो कह रहे हैं कि नीपा पे मार के गया, इतने सारे लोग खड़े थे उसको कोई पकड़ नहीं सकते, थोड़ा मर्दानगी दिखाओ, अवाम भी दिखाए थोड़ा, वो क्या कहते हैं अपना पुलिस के साथ ताउन करे, पुलिस तो कोशिश तो कर रही है, अब नहीं हो रहा बेचारा, कोशिश तो कर रहे हैं, आवाम को भी कोशिश करना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि आवाम जो है पकड़ने की कोशिश करे, लेकिन जो भी बंदा है वो ऐसी जगह पे टारगेट करता है कि आवाम को इस वक्त समझ नहीं आता है, क्योंकि अगर कोई मर्द देखेगा तो पकड़ने की कोशिश तो करेगा, लेकिन अगर खवातीन को टारगेट करे तो वो बेचारी कैसे पकड़ेंगी? नहीं असल में जो अभी नीपा पे हुए काफी आवाम खड़ी थी उधर, उन्होंने किसी ने उसको हाथ क्यों नहीं लगाया, कोई पत्थर मारे कोई पीछे तो भागे, इस तरह से हाथ पे हाथ रखे बैठ तो कुछ नहीं होगा, हमारे हाथ में इंशाल्लाह उसके 5 लाख टुकड़े नहीं करते फिर हम भी कराची वाले नहीं है। अच्छा ताहा ये एक बात बताएं मुझे कि इस वक्त में माहिर नफ्सियात से भी आपकी बात हुई होगी, फैजान सॉरी फैजान, माहिर नफ्सियात इस वक्त क्या कह रहे हैं? मेरी भी बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि जी साइकोपैथ डिफरेंट वो आ रहे हैं, आपको क्या बात हुई? आप शहरी जिस तरीके से वो जो मुलजिम जिस तरीके से खवातीन को टारगेट कर रहा है, बिलखसूस इस इलाके का रिहायशी बताया जाता है, साइकोपैथ और साइकोलॉजिकल इस हवाले से ये पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहा है कि मुलजिम ना ही किसी खास उम्र की जो तबकात के या खास उम्र के कुछ जो खवातीन है उनको टारगेट कर रहा है, बल्कि जो टारगेट हो रही हैं इन वाकयात का निशाना बन रही हैं उनकी एज एक नहीं है, ना ही वो किसी मखसूस तबके से उनका ताल्लुक है, ना ही उनका जो है वो किसी खास उम्र है, ना खास जो है वो किसी फिरके से, हर उम्र की इसमें जो है वो खवातीन शामिल हैं, 13 साल की बच्ची भी है, 45 साल की जो खातून हाजरा बीबी सबसे पहले वो टारगेट हुई, इसके अलावा हर उम्र के हर तबकात के लोग हैं, लेकिन जिन खवातीन को जो है ज़ख्मी किया जा रहा है उसके बाद बिलखसूस गुलिस्तान जौहर में खवातीन में बिल्कुल शदीद खौफ व हरास जो है वो बढ़ गया है। अच्छा मैं ताहा आपकी तरफ आऊँगा, ताहा आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट किया था जौहर चौरंगी पर, आप लोग कल ही प्रोटेस्ट हुआ था बिल्कुल जौहर चौरंगी पर आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, कोई आया हुकूमती इदारे से, किसी ने आगे आपसे मुलाकात की, कोई यकीन दहानी कराई? कोई भी नहीं, वही पुलिस आई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अली हसन साहब थे जो आए थे, उन्होंने आके मुलाकात की और आके बोला कि हम कोशिश कर रहे हैं, आपका साथ चाहिए, बिल्कुल अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें, लेकिन मैंने अली हसन साहब को भी कहा और आज आपको भी कहता हूँ, जिस दिन परसों रात उसने 4 वाक़यात 1.5 घंटे में किया है, उस दिन रात में पुलिस दौड़े लगाती हुई नज़र आ रही, सिपाही बाइकों पर हर जगह घूम रहे, उसी सुबह मैंने इसी पुलिस को गुलिस्तान जौहर के इलाके में जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी वहाँ से रिश्वतें लेते हुए देखा है। तो ये पुलिस का हाल है कि जब अपने ऊपर आई हुई ये बात बुरा, हर जगह बुरा कहा जा रहा है, उसके बावजूद भी अगर इतने वो मतलब पीछे जा चुके हैं कि वो अभी भी उसी काम में लगे हुए जो हमेशा करते रहते हैं, तो ये नहीं पकड़ा जा सकता। यानी कि आप कह रहे हैं कि पुलिस इसमें बुरी तरह फेल होती नज़र आ रही है? बिल्कुल फेल होती हुई नज़र आ रही है, सिर्फ सिंध पुलिस नहीं, ये पूरी हुकूमत फेल होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि देखें इस वक्त पुलिस के इदारे में से अगर पुलिस का एक डिपार्टमेंट है और उसमें ये गवर्नमेंट की तरफ से ही गया है ना कि VIP प्रोटोकॉल्स के लिए जो है टोटल 27,000 पुलिस जो सिंध की है उसमें से 45,100 जो है वो VIP प्रोटोकॉल पे लगा दिए गए हैं और 1500 लोगों के लिए एक पुलिस वाला है, ये मैं आपको कराची और सिंध के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से बता रहा हूँ पॉपुलेशन, तो जब ये खुद हुकूमत की तरजीह होगी कि VIP बिल्कुल 1500 लोगों के ऊपर एक पुलिस वाला है और VIP प्रोटोकॉल के लिए या VIP लोगों के लिए 4500 पुलिस वाले हैं, तो जब ये उनकी तरजीहत होंगी तो आवाम के साथ यही होना है, यही औरतें जो है हमारे घर की और आपके घर की और आम लोगों के घर की गैर महफूज रहेंगी। अब एक छुरा वाला आता है मारता है और निकल जाता है, क्या अगर वो फेस डिटेक्टिंग कैमराज लगे होते जो करप्शन जो अरबों रुपए का टेंडर था और वो नहीं हो सका, करप्शन की नज़र हो गया, तो कैसे पकड़ना मुश्किल था? ये या तो मीडिया से मांगते हैं कि हमें CCTV फुटेजेस दे दीजिए, या मीडिया खुद जाता है बैंकों से लेने के लिए रिपोर्ट नशर करने के लिए और ये फिर मीडिया वालों से मांगते हैं, मतलब ये बहुत पीछे रह गए और इनके पास अब करने को कुछ। अच्छा एक और बड़ा मसला इसके बाद से आया क्योंकि यहाँ पर बड़े नौजवान खड़े और इनमें से बहुत से हैं जो मोटरसाइकिल पर घूमते हैं, मैंने अपने प्रोग्राम्स जो अभी किए हैं जो इसके अलावा मैं लाइव शोज किए उसमें मैंने ये बोला है कि इस वक्त में कोई भी नौजवान अपने साथ कोई भी तेज धार आला लेके ना निकले, चाहे वो कोई भी काम करता है, क्योंकि फिर उसको शक की निगाह से देखा जाएगा। तो इस वक्त आप लोगों की चेकिंग की क्या सूरत हाल है, किसी को ऐसा कोई प्रॉब्लम नजर आ रहा है? जी कोई अभी इस वक्त कोई मतलब प्रॉब्लम तो है बहुत, जहाँ जहाँ पुलिस वाले खड़े किए गए हैं गलियों में शहर के मोहल्लों में और ये मार्केट के अलावा बाजारों में जो जो पुलिस वाले खड़े किए गए हैं वो यही है, आम आवाम को तंग कर रहे हैं, जो आ रहे हैं
आप आवाम को तंग कर रहे हैं, बैग चेकिंग, ये फला चेकिंग, फला चेकिंग, चले चेकिंग, चले चेकिंग। इस वक्त में जो एक सूरत हाल है जी, क्या कहेंगे सर? सिर्फ चेकिंग नहीं कर रहे हैं ये, हमारी अगर हिफाजत के लिए खड़े करेंगे तो चेकिंग करके छोड़ देने चाहिए। अब बंदा रोटी लेने जा रहा है, घर का सामान लेने जा रहा है, ये उससे भत्तागोरी कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। आप खुदा को हाजिर नाजिर जान के बोल रहे हैं कि ले रहे हैं? जी सर, कल रात में ही मेरे मुझे पकड़ा गया है। चेकिंग कर रहे हैं आप हमारी हिफाजत के लिए? हमारे पास कुछ भी नहीं, आप जाने दें। अब आप गली गली में खड़े होकर पैसे बना रहे हैं, 50 दे दो, 100 दे दो, ये तो सर हमारी भी हो रहा है। अब ये आई जी साहब देखे, ये आवाम यहाँ पर मौजूद है और मैंने खुदा को हाजिर नाजिर जान के इनसे बोला है मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, बाखुदा मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप इस चीज को चेक करें कि जो आपने स्नैप चेकिंग के लिए खड़े किए हैं वो अभी भी 50-100 से बाहर नहीं आ रहे। जी इनकी बात से इतफाक करूंगा, जितनी भी पुलिस इस वक्त जो इन्होंने हाई अलर्ट कर दी और खसूसन इस इलाके में, अभी मैं इधर ही जो आ रहा था तो रास्ते में 2 से 3 पुलिस वालों ने रोका और उनका यही सवाल था कि वो कागजात दिखा दो, लाइसेंस दिखा दो, ये दिखा दो। उन्होंने चेकिंग नहीं करनी, कागजात लाइसेंस, एंड में कहते अच्छा 20 रुपये या 50 रुपये दे दो। तो मैंने उनसे जिक्र किया मैं किसी प्रोग्राम में जा रहा हूँ मीडिया की, तो जरा बाहरल जाके आप अपने उन लोगों को पकड़ो जो चाकू मार रहे हैं। तो जी साहब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट शिकायत आई है, आप एक्शन लेते हैं फौरन लेगा। हमारे साथ कादिर मंदो केल साहब हैं, इन्होंने ज्वाइन किया, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के और कानून पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। पहला सवाल कादिर साहब आपसे मेरा ये है कि इस शख्स को बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी ये मेंटली पेशेंट है, तो अगर ये हाथ आता है तो ये तो छूट जाएगा जी मेंटली पेशेंट है? एक वो सिकंदर था जिसने पूरे इस्लामाबाद पुलिस को नचाया और ये शख्स जिसका नाम जो भी हो मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ, ये दहशतगर्दी है। परसों एक चैनल पे मैं बैठा हुआ था, यहाँ के DIG सुल्तान ख्वाजा साहब ने मेरे साथ एग्री किया है कि ये शख्स साइको पेशेंट नहीं हो सकता है, ये दहशतगर्द है, ये ग्रोह है। अब पुलिस नाकाम हो चुकी है, जैसे एक खुदकश हमला और को डिक्लेयर करके इस तरह ये पागल को डिक्लेयर करके और अपनी जान छोड़ाना चाह रहे हैं। मैं आपके चैनल की तरफ से जहाँ सिंध पुलिस ने 5 लाख रुपये इनाम रखा है मैं 10 लाख IG साहब आपको दूंगा। गो कि आप नाकाम हो चुके हैं, आपने खुद मीडिया पे आगे कहा है कि मैं थाना कल्चर चेंज करने में नाकाम रहो, आप अदालत के एक ऑर्डर के ऊपर, स्टे ऑर्डर के ऊपर बैठे हैं, आप बैठे रहो, लेकिन ये तमाशा जो आज 13 दिन से चल रहा है ये पूरी दुनिया आपको देख रही है, पूरे मीडिया आपको देख रही है। 4 गलियों का गुलिस्तान है जोर, आपसे कंट्रोल नहीं हो जा रहा है। कहाँ गए आपकी पुलिस, कहाँ गई आपके इंटेलिजेंस? अगर कोई साइकिल चोर है, अगर कोई गुटखा पान बेच रहा है वहाँ तक तो आप जल्दी पहुँच जाते हैं, मगर क्या है कि इस दहशतगर्द ग्रोह तक आप नहीं पहुँच सकते हैं। और फिर आप बड़े बड़े दावे करें, अरबों रुपये आपका फंड है, आपके लाखों की तादाद में आपकी पुलिस है, कहाँ मर गए आपके ये पुलिस वाले? अच्छा कादिर साहब एक चीज तो आपने ये बता दी कि पुलिस जो है वो नाकाम हो चुकी है, अभी जैसे हमें आवाम से ये शिकायत मिल रही है कि जो स्नैप चेकिंग के लिए खड़े हैं वो भी 20-50 रुपए अभी भी ले रहे हैं, बाज नहीं आए। अभी जितने भी लोगों को मैं जैसा टीवी में फुटेज देख रहा था, ना जाने कितने गरीब एक ही शख्स है जो हेलमेट पहना हुआ है, एक ही मोटरसाइकिल है, काली शर्ट है, जीन्स है। क्या आप हर काली शर्ट वालों को आप पकड़ लेंगे? हम दाढ़ी वाले को आप पकड़ लेंगे? और जितने लोगों को आप अभी तक पकड़ चुके हैं आपने क्या रिजल्ट निकाला? 4 गलियां टोटल मैं देख रहा हूँ यहाँ गुलिस्तान जोर में, आप इसको कंट्रोल नहीं पा रहे, यानी आपके मुंह पे पुलिस 3 घंटे के अंदर इसे 5 वारदात कर दिया। कादिर साहब बात सारी है कि आपकी ये बात ठीक है कि पहले हम ये कह रहे थे कि जी गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 और 15 है, उसके बाद उसने जब ये मीडिया पे देखा तो उसने ये चैलेंज भी कबूल किया और फिर उसने जाके गुलशन जमाल, अजीज भट्टी, डालमिया हैदरी इधर भी इसने अटैक किए, तो क्या वो हमसे ज्यादा शेर हो चुका है? देखिये परसों में एक चैनल भी सुबह बैठा हुआ था और उस वक्त हमने इस मुलजिम से, इस क्रिमिनल से, इस दहशतगर्द से मुखातिब के बोला कि आप मजे ले रहे हो, यकीनन आज भी अभी भी वो फुटेज ये सारा ड्रामा देख रहा होगा, और उसके बावजूद वो पूरा सिंध पुलिस को चैलेंज कर रहा है कि गिरफ्तार कर सके तो गिरफ्तार कर देना। 3 घंटे के अंदर 5 वारदात की है, क्या मर गए है पूरे पुलिस वाले? क्या इंतजामिया मर गई है? क्या ये लोग, क्या लोग अपने बेटियों को, आप अपने खवातीन को घर से ना निकाले? और क्या खवातीन में बात कर रहा हूँ कि यहाँ तो घर की जो मासियां हैं वो बेचारा कप कपा रही है, घरों के अंदर बैठी हुई है, फिर क्या करें? और कल आज कराची यूनिवर्सिटी ने जो हेलमेट पे पाबंदी लगा ली है, आप जरूर लगाइए हेलमेट पाबंदी। आप कराची यूनिवर्सिटी के अंदर ये वारदात 2 साल पहले भी हो रही थी, आज भी मैं ये कहता हूँ कराची यूनिवर्सिटी के अंदर ये चीजें हो रही, ये हरकतें हो रही है, और ये सिर्फ यहाँ नहीं हो रही है, ये फैसलाबाद में हो रहा था, ये मर्दान पे हो रहा था, लोगों ने वहां पे क्रिमिनल को पकड़ के मार दिया। ये परसों में एक चैनल पे बैठा हुआ था, वो कहता टेलीफोन आया, तो आप आखिर आवाम क्या करें?
छोड़ दे, जीना छोड़ दे, ख्वातीन को घर से निकालना छोड़ दे, फिर आप आइए, आप ये अरबों खरबों रुपए के जो फंड ले रहे हो, आप ये बुलेट प्रूफ जो गाड़ियां ले रहे हैं, आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए तो सारे आप बुलेट हो, क्या इस आवाम के प्रोटेक्शन के लिए आपने क्या किया? तमाशा बना के रख दिया। आज 13 दिन हो गया, पूरा शहर यरहमाल है, पूरा मुल्क यरहमाल है। हर तरफ से अगर मैं फुटेज देख रहा हूँ कि चूरी वाला, क्या एक चूरी वाला कहाँ से आ गया? क्या ये सलमानी टोपी उसने पहन के रखा है? आपसे नहीं पकड़ा जा रहा है। और अगर आपसे नहीं पकड़ा जा रहा है, मैं पूरा सिंध पुलिस को ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये वर्दियां छोड़ दे, आप ये आवाम को अपने रहम घर पे छोड़ दे, और आप ही छोड़ दे सारा। अच्छा कादिर साहब, एक एक जगह पर मैंने ये भी स्टेटमेंट सुना एक पॉलिटिकल पार्टी का, कि वो कह रही है कि जी आवाम जो है वो इसमें मदद करे टोलियों की सूरत में, तो ये एकदम गलत नहीं हो सकता कि इसमें वारदातें भी शुरू हो जाएंगी? अब किसको क्या पता कौन किस चक्कर में रोक रहा है? देखिये, जब हेलमेट पे पाबंदी पे, यानी ये पाबंदी लगाई कि बगैर हेलमेट के नहीं जाना है, इनका धंधा शुरू हो गया। ड्राइविंग करते हुए आप मोबाइल पे बात नहीं कर सकते हो, इनका धंधा शुरू हो गया। फिर एक एसएसपी साहब आए, उसने एक नया मंतक निकाल दिया, खवातीन भी हेलमेट पहन ले। ओ भाई, तो कौन से शहर में रहते हो क्या खवातीन को भी तू हेलमेट पहना रहा है? और फिर आप देख रहे हैं कि ये चोरों की तरह जो खड़े होते हैं, मैं शर्तियां कह रहा हूँ, कई मरतबा मैं प्रोग्राम कर चुके हैं एसएसपी और डीआईजी ट्रैफिक के साथ, आपके पुलिस ऑफिशियल चौराहे के बाद गली में चोर की तरह क्यों खड़े होते हैं? सामने खड़े हो जाओ ताकि कोई डरे और सिग्नल न तोड़ दे। आप खड़े होते हो उल्टे हाथ पे ताकि आपका धंधा पानी, और मैं नहीं समझ रहा हूँ आपके यहाँ एक एसओ से लेके एक एसएचओ से बिल्कुल इसको कंटिन्यू करेंगे। जौहर की आवाम को एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि इस वक्त हम लाइव है, अगर हमें को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकता है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक से पहले बात हो रही थी पुलिस के रोल के हवाले से, और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हलीम आदिल शेख साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। हलीम आदिल शेख साहब, एक शख्स ने पूरी पुलिस को तिकली का नाच नचाया हुआ है, पकड़ नहीं पा रहे हैं, खौफ व हिरास लोगों में, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सिस्टम जब नहीं बनाए जाते तो फिर यही होता है, जब सही कैमरे नहीं लगाए जाते तो यही होता है, जब कैमरों में कमीशनें ली जाती हैं तो यही होता है। बात ये, अगर सिस्टम ठीक होता, सही पुलिसिंग होती, इसमें सियासी मुदाखलतें नहीं होती। कल से मैं देख रहा हूँ कि बजाय इसके कि एडिशनल आईजी को तो आईजी नहीं लगाते हैं ना जी, एडिशनल आईजी को तो चीफ मिनिस्टर साहब लगाते हैं। कल से मैं देख रहा हूँ मिनिस्टर साहब के बयान हो या सीएम साहब के बयान हो, उन्होंने सारा वजन आईजी के ऊपर डाल दिया कि जैसे आईजी साहब निकलेंगे, कोई खुद कोई वो सुलेमानी टोपी ओढ़ के जो कह रहे थे ना कि जी लगता है आईजी साहब जाए, और उसी सिस्टम खराब किए हुए इन्होंने। आज अगर सिस्टम ठीक होते, आज एक रेट होती गवर्नमेंट की, अगर पता होता कि हमारी पुलिस जो है किसी काबिल है, तो मैं समझता इस चलावे की इसकी जरूरत ना होती, लेकिन निज़ाम खराब हो चुका है। लाजिम बात है कि इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो अलादीन का चिराग अला उस पर एडी ख्वाजा साहब के पास के वो आए और सब कुछ ठीक कर दें, निज़ाम तो पीछे वही बैठा हुआ है। बात है कि बड़ी अफसोसनाक बात है, बड़ी शर्मनाक बात है, और ये मुझे पता है कि इन पूरी रोड्स के ऊपर जहाँ चल रहा है वहाँ कहीं कहीं से सीसीटीवी फुटेज मिल रहा होता है। बात यह है कि इस निजाम को ठीक होने की जरूरत है जो बहुत बिगड़ा हुआ है। अच्छा, एक पॉइंट तो जो सीसीटीवी के कैमरों के हवाले से आ रहा है, ताने भी उसमें बताया कि किसी खातून का कमीशन है, बहरहाल उस पर अभी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर ये कैमरे लगे हुए होते सही तो फेस डिटेक्ट हो जाते। अच्छा, आपने कहा कि एडी ख्वाजा साहब पे को इतना तनकीद का बनाया जाए, तो आप क्या समझते हैं कि सर फिर किसकी जिम्मेदारी होगी? ये सिंध गवर्नमेंट हर तरीके से सिंध हुकूमत जिम्मेदार है। मैं एडी ख्वाजा साहब को भी बरी जुम्मा करार नहीं दे रहा, अल्टीमेटली वो पुलिस चीफ है, उनकी जिम्मेदारियों में शामिल होता है। लेकिन बात यह कि जब पुलिस को इतना खराब कर दिया जाए, जब इतना पोलिटिसाइज कर दिया जाए, जब पैसों पे एसएचओज लगे, जब पुलिस की भर्तियां मेरिट पे ना हो, फिर ये रिजल्ट निकलता है, ये उसके आउटकम होती है कि फिर एक बंदा निकलता है और वो धड़ल्ले से चैलेंज करता है आपकी हुकूमत के रिट को, चैलेंज करता है आपके पुलिस के निज़ाम को, चैलेंज करता है। और ये देखिए कि उसका हमें मजर नजर आ रहा है, इस निज़ाम को तब्दील करना पड़ेगा। लाइटें नहीं जल रही होती, मतलब कोई किसी को नहीं कह रहा होता लाइटें ठीक नहीं चल रही, मतलब आबादी के बीच में जाके वो कुछ करता है और निकल के चला जाता है, इनके पास लोग नहीं है। हमने तो कल बात की थी कि हमारे इस वक्त भी लोग मौजूद हैं, हमारी पार्टी के विजिलेंस के हमारी पूरी टीम्स बनी हुई है, हम मदद करने को तैयार हैं। लेकिन आदिल साहब, ये इसी पर मैं बात करूंगा, कुछ मैंने ऐसी जगह सुना था कि जी प्राइवेट लोगों को मैदान में उतर जाना चाहिए, तो आप नहीं समझते कि इससे फिर वारदातें भी बढ़ने का चांस होगा? क्योंकि हमें ये चीज नहीं पता चलेगी कि जो हमें रोकने वाला है वो हमें चेक करने के लिए रोक रहा है या वारदात के लिए रोक रहा है। देखिए, प्राइवेट लोगों का मतलब ये कि नजर रखें, मैं समझता हूँ कि हमें जो कम्युनिटी को आगे लाना पड़ेगा और उनको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, वो नजर रखें। प्राइवेट देखें, ये तो नाकाम हो गए ना,
मतलब आज खौफ है, हमारी बहन बेटियां नहीं निकल रही हैं, आज वो कॉलेजेस नहीं जा रही हैं, स्कूल नहीं जा रही, घर से निकलते हुए जो खवातीन जॉब पर जाए, वो इतना खौफ है, इसके लिए अल्टीमेटली खुद निकलना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि बेहतर है कि हमारे नौजवान जो अपनी एक जिम्मेदारी समझते हैं उन्हें बाहर आना चाहिए और अपना रोल प्ले करना चाहिए। मेरे साथ पूरा ग्रुप से बात, हमारी खवातीन का ग्रुप था और उनका कि हम मदद करने को तैयार हैं, मैंने आईजी साहब को बता दिया था, वो कहते हैं हम वॉलंटियर करने को तैयार हैं, हम फील्ड में उतरने को तैयार हैं, मतलब अगर कोई कोऑर्डिनेशन बनाई जाए, लेकिन अभी रब्ता हुआ नहीं है इस तरीके से, लेकिन हम चाहते हैं कि अच्छा, आईजी साहब के एक स्टेटमेंट पे बात करूंगा, कादर भाई आपसे भी इस पर राय लूंगा, सबसे पहले आपसे लूंगा, उन्होंने कहा कि खवातीन घरों से ना निकले, खवातीन जो है गैर जरूरी काम के लिए घरों से ना निकले, तो क्या ये स्टेटमेंट देने वाला था? मैं आपकी राय, स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं देने वाला था, ऐसा कुछ नहीं, पर ठीक है ना, बंद कर दें सब घरों में रह जाएं, पर निजाम बंद कर दें, मैं समझता हूँ ये तो मजीद फेलियर की तरफ लेके जा रहे हैं, क्यों ना निकले, जिम्मेदारी है। तो हमने ये मान लिया, हार गए, देखिए जी हार मान ली एक छलावे से, हमने हार मान ली, अभी हार मान ली एक छलावे से, मतलब बात यह है कि जिसको जो भी करार दे, लेकिन वो हमले कर रहा है, और ये कहना कि ना निकलो, तो बात यह स्टेट की जा रहे हैं, हम फेलियर स्टेट है क्या? हम एक हम दहशतगर्द से कहते हैं हमारे पास जी खुदकश को हम नहीं रोक सकते, हम नहीं रोक सकते, इसको भी नहीं रोक सकते क्या? एक छुरी भी नहीं है उसके पास, एक आला है कोई तेज धार का जो इतना साइज, लग रहा है आपने, लग रहा है आपने देखा है उसको, मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, तो डॉक्टर से मेरी बात हुई थी तो कह रहे हैं जो कट्स आ रहे हैं वो कोई इतना सा तेज धार आ रहा है जो आगे से मुड़ा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, बड़ा मतलब है कि इसको फौरी तौर पे पकड़ना चाहिए, इसमें गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और मैं कहता हूँ कि रेंजर्स को भी अल्टीमेटली सब एक्टिव है, कल मैं देख रहा था शारे फैसल के थाने के सामने गाड़ियां बख्तरबंद जैकेटें, इसके लिए जरूरत नहीं है, इसके लिए टेक्निकल सिस्टम की जरूरत है। आप इस स्टेटमेंट को कैसे लेते हैं कि आईजी साहब ने कह दिया जी ना निकले? अच्छा अगर आवाम ना निकले, खवातीन ना निकले, फिर आईजी क्या करेगा? मैं तो कहता हूँ आप ना निकले फिर भी यही सूरत हाल होगा, आप घर पे बैठे, आप अपने बख्तरबंद गाड़ियों में बैठे, और अली मदनी शेख साहब जो फरमा रहे हैं अभी सिना हाई कोर्ट ने, ये पाकिस्तान का एक अजूबा केस है, ये पाकिस्तान का एक अजूबा सूबा है, यहाँ सिंध हुकूमत पुलिस को नहीं चला रही है, यह अदलिया चला रही है, अदलिया ने किसी अरे गहरे ने दरख्वास्त दे दिए, अदालत ने ऑर्डर कर दिए, आप मुझे बताओ पूरे पाकिस्तान में पख्तूनख्वा बलोचिस्तान और पंजाब के, क्या वहाँ की पुलिस वहाँ की सूबाई हुकूमत के अंडर है या अदालत के हुक्म पे चल रही है? और फिर जितने भी चीफ मिनिस्टर ने अपॉइंटमेंट किए थे, चाहे एडिशनल आईजी डीआईजी, सबको उन्होंने वापस भेज दिया हेडक्वार्टर पे और अपनी मर्जी के लगा लिए, सारे एसएचओ एडी ख्वाजा साहब के लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये नाकाम है, और ये खुद इसने मीडिया पे आके कहा कि मैं थाना कल्चर चेंज करने में नाकाम हूँ। अगर आप नाकाम हो, ये तमाशा एक शख्स जिसका नाम पता नहीं क्या होगा, एक तो सिकंदर निकला है, ये पता नहीं क्या मुगले आजम निकलेगा, तो उसके बाद क्या होगा? आप पागल डिक्लेयर कर देंगे और उसके बाद बोलेंगे तो पागल आदमी दे उसे मार दे। ऐसा कैसा पागल आदमी है जो पूरा सिंध पुलिस को नचा के रख दिया उसने, पूरे सिस्टम को, आज मीडिया कोई और बात कर ही नहीं रही इस वजह से कि लोगों में एक खौफ एराज है। आप मुझे बताओ ये शख्स हो सकता है अभी भी आपका चैनल देख रहा होगा और वो मजे ले रहा होगा, देखो मैं अभी क्या करता हूँ, क्या पता हम यहाँ खड़े हैं, लेकिन खुदा का वास्ता मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा हूं कि जिसकी जो जिम्मेदारी है, मैं ये नहीं कहता हूं सिंध हुकूमत की नहीं जिम्मेदारी, सिंध हुकूमत की यहां जिम्मेदारी है कि वो लॉजिस्टिक जो ना वो सपोर्ट करे, उसको फंडिंग करे, उसको और कोई चीजें अपॉइंटमेंट के हवाले से, लेकिन इस वक्त एसएचओ जो लगे हुए सारे आईजी साहब की मर्जी से लगे हुए हैं, कोई चीफ मिनिस्टर का किसी पीपल्स पार्टी की मर्जी से नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये आवाम क्या करे? आप मुझे बताओ, अगर आपने इस मुल्क सूबे को चलाना हो, आपने अगर इस शहर को चला, तो आप चला ले, आप चला के देख ले, आपसे एक पागल शख्स इस चीज को हम दोबारा इस चीज को कादिर साहब इस चीज को कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर वक्त हुआ एक और ब्रेक का, हम ब्रेक से वापस आते हैं। ब्रेक से पहले आपके सामने तमाम गुफ्तगू हो रही थी, और फिर एक दफा कहूंगा कि जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं अभी हम यहाँ पर लाइव हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं, थोड़ी आवाम की तरफ भी आते हैं कि वो इस मसले से परेशान तो है ही, लेकिन क्या उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी आप कुछ कहना चाह रहे दोस्तों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरी भाई, मैं आपकी एक बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा, जो कि आपने कहा कि ये शेर बनता जा रहा है, ये शेर नहीं है, ये गीदड़ ही है और ये गीदड़ ही रहेगा हमेशा, क्योंकि ये एक तो कौम की, किसी भी मुल्क की सबसे कमजोर खवातीनों पर, जो कि कमजोर समझी जाती हैं हम लोग के एतबार से, लेकिन माशा उस पर उन पर आगे ये अटैक कर रहे हैं, पहली बात तो ये। सेकेंडली, हम लोग गवर्नमेंट पे अब कितना आखिर कितना, हमें पता है सारी नाअहलियाँ हैं, सब कुछ हो रहा है, सबको पता है, थाने बिक रहे हैं, कचेरियाँ बिक रही हैं, हमें सब कुछ पता है, आवाम के सब कुछ सामने, अब हमें क्या क्या स्टैंड लेने हैं? बात ये अब हमारी खवातीनें माशाल्लाह
बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा चीजों को समझती हैं, सोशली बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, उनको खुद चाहिए हमारे, अब हमें चाहिए कि जैसे तहा भाई हैं उनको सोशली कुछ तौर पे ऐसे ऐसे सेशंस अटेंड करें जिसमें इनको ऐसे छलावों से बचने के लिए अपने तौर पे वो कुछ चीजें करें। लेकिन मेरे भाई आपकी बात को आगे जाने से पहले बोलूंगा कि अगर मैं अपनी अम्मी की बात करूं या घरेलू खवातीन की, तो उनके पास तो हमारी घर की हांडी बनाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो कहां से सेशन अटेंड करेंगी। लेकिन अब जान के लाले तो पड़ी है ना, बाहर लेने जब सब्जी जाएंगी तब तो खौफ तो दिल में होगा ना, मैं हांडी बनाने जा रही हूँ लेकिन अब पीछे से कोई छलावा आके मुझे अगर छुरा मार जाता है, अब तो जान तो पहले 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 आएगी, हमें जान सेव करना है पहले, हांडी तो बनती रहेगी, नहीं बनेगी तो किसी ना किसी और होटल से जाके हम लोग ले आएंगे। अच्छा एक और रेस करना था, ये हमने सिर्फ पाकिस्तान में देखा या फिर इंडियन मूवीज की फिल्मों में देखा है, एक फिल्म अभी जो गब्बर ने एक और फिल्म आई थी जिसमें ये ऐसे ही किस्म के केसेस जो है वो बहुत ज्यादा आगे थे, तो यही मामला मैं कहना चाहूंगा गवर्नमेंट से, तो कोई अब कितना आखिर क्रिटिसाइज करें, क्रिटिसाइज करा आपने भी किया, आपने हम सब ने करते ही रहते हैं, लेकिन अब इंसेंटिव्स क्या लेने इसके लिए, वो हम सबको चाहिए कि सेशन अटेंड करें और जो भी सोशल मीडिया पर 2-5 मिनट के हम लोग अवेयरनेस सेशन ले लें। इनकी बात एक तरीके से अच्छी है लेकिन जाहिर है थोड़ा सा इसमें आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप भी बड़ा सोशल मीडिया भी देखते हो, सब चीजें देखते हो, थोड़ा पॉसिबल है ऐसा कुछ? अच्छा बिल्कुल है, डेफिनेटली सेशंस होने चाहिए, हम भी हलीम भाई वगैरह जो है वो एक पूरा हमने प्लान प्रपोज किया है सोशल मीडिया पे कि इससे बचने के क्या क्या तरीके हैं। अच्छा ये तो सोशल मीडिया पे चलता रहेगा, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा वो ये कि हर बिजनेस का एक मॉड्यूल होता है ना, हमारी पुलिस का भी एक बिजनेस मॉड्यूल है, यहाँ हर आप इतने प्रोग्राम करते हैं क्या ये नहीं पता कि यहाँ हर SHO पैसे दे के लगता है, सबसे महंगा थाना भी एक है, ये सारी बातें सबको पता है ना, तो ये सिस्टम नाकिस और फेल है, तभी तो सब कुछ हो रहा है। और SHO आता है तो जब वो पैसा लगा कर आ रहा है तो वो पैसा कमाई गई और उसने अपने एरिया से अपनी टेरिटरी से पैसा निकालना होता है। आज जितने आपके सामने बन कबाब वाले चाय वाले बाहर कुर्सियाँ डाल के बैठे हैं, लोगों की पार्किंग है, सब कुछ, आप किसी के पास भी चले जाएं कितने प्रोग्राम करते हैं, ये रोज यहाँ से पैसा उठाते हैं 50-50, 60-60 रुपए एक केबिन से लिया जाता है, बत्ता जाता है। तो जब ये सारी चीजें पुलिस की होंगी और ऊपर बैठे हुए सरकारी लोग उनको VIP प्रोटोकॉल के लिए, थोड़े दिनों पहले की बात है ना, VIP प्रोटोकॉल में एक पुलिस वाला किस तरह हमसे बदतमीजी कर रहा था, तो जब वो इस तरीके से रिएक्ट करेंगे और अपने आप को इस तरह बदमाश समझेंगे तो अल्लाह ताला भी बहुत है, एक बहुत बड़ी जात है उसमें। बेशक बेशक। अच्छा थोड़ा सा हम अपने रिपोर्टर से पूछते हैं, ये बताएं कि इस वक्त में चेकिंग्स बड़ी हो रही है, जैसे कि भाइयों ने बताया कि उनसे पैसे भी लिए जा रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम की क्या सूरत हाल है, क्योंकि स्ट्रीट जो क्रिमिनल्स हैं उनको बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो गया होगा? शहरी बिल्कुल, जिस तरीके से वाकयात रिपोर्ट हुए, 9 से 10 रोज हो चुके हैं, 13 खवातीन हुई हैं, 9 FIR हुई हैं, पुलिस की काफ़ी भारी नफी जोन की यहां पर तैनात की गई है, उसके बावजूद भी दर्जनों शहरी यहां के जो रहने वाले हैं अपनी कीमती अशिया से महरूम हो रहे हैं। जब से ये वाकयात शुरू हुए 25 सितंबर से देखा जाए तो 3 डकैत जो है वो मारे जा चुके हैं, 2 डाकू 1 सिक्योरिटी गार्ड से मारे गए, गुज़श्ता रोज़ एक मुकाबला हुआ वो वहाँ पर भी 1 डाकू मारे गया, इसके अलावा डाकू गिरफ्तारी अपनी जानब जहां पर ये खवातीन जख्मी हो रही हैं, साथ साथ जो है वो स्ट्रीट क्राइम का जो जिन है वो भी बिल्कुल बेकाबू है, यहां के जो शहरी रहने वाले हैं उन्होंने अपने जी बिल्कुल स्ट्रीट क्राइम बिल्कुल इसी तरीके से, गुज़श्ता रोज भी नीपा के करीब जो है वो 4 स्टूडेंट जो वहां से गुजर रहे थे उनको लूटा गया, उसके बाद अजीज भट्टी काउंटर हुआ वहां पर एक जो है वो डाकू इसाक मारा गया, डकैतियों की जो वारदातें हैं, लूटमार की जो वारदातें हैं वो उसी तरीके से जारी हैं, पुलिस की भारी नफरी यहां तैनात होने के बावजूद पुलिस जहां दावा कर रही है कि हम उस मुलजिम को जो छलावा बना हुआ जो हमले कर रहा है उसको गिरफ्तार करेंगे, उससे पहले पुलिस के लिए एक सवालिया निशान जो स्ट्रीट क्राइम का है वो पहले से ही मौजूद है, जिस पे पुलिस कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दी है। अली भाई ये भी हो रहा है कि जी मैं तो समझ रहा था कि ईस्ट में जो है वो स्ट्रीट क्राइम नहीं हो रहा होगा, तो स्ट्रीट क्राइम भी अभी चल रहा है, तो फिर ये कैसी चेकिंग है? अल्टीमेटली देखें स्ट्रीट क्राइम तो है और खत्म तो नहीं हुआ है ना अभी, बात यह कि इतनी पुरानी ये एक बीमारी लगी हुई, इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती। नहीं, जब इतनी इन्होंने अपने कह रहे हैं कि जी रोड पे इतनी सिक्योरिटी है, नजर भी आ रही है, तो फिर उसके बाद भी स्ट्रीट क्रिमिनल करते जा रहे हैं। अगर इतने स्किल हमारी पुलिस होती तो फिर ये कैसे ना पकड़ा जाता, बात है हमें अपनी पता है, मेरी उनकी कैपेसिटी, हमारी उनकी ट्रेनिंग का पता है, हमें सब पता है कि हमारी पुलिस का कितना बड़ा गर्क कर दिया जा चुका है। आप देखे ना KP में पुलिस को देखे, हम वहाँ मतलब पुलिस सामने खड़ा होता है, सिपाही खड़ा होता है, लोग देख रहे होते हैं कि क्या, यहाँ सिस्टम तबाह हो चुका है। बात यह कि हम तनकीद बेशक कर रहे हैं लेकिन तनकीद से आगे की बात जानी है, मतलब कोई बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, इस वाक्य को इंशाल्लाह पकड़ा जाएगा, कहाँ जाएगा, कहते हैं ना छलावे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो पकड़े जाएगा, लेकिन हमें सिस्टम को ठीक करने के लिए बिल्कुल ये इसके बाद हम सिस्टम पे बात करेंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, अभी तक पुलिस की तनकीद के हवाले से बहुत बात हुई, इसके बाद सिस्टम पे हम बात करते हैं, और भी बहुत सी बातें होंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद।